हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा शेयर देने वाला हूँ जो एकदम रियल RTX का पिछले वाले से 10 गुना बेहतर इस RTX का शेडर है। आप इसकी ग्राफिक्स देख सकते हैं। मेरा मोबाइल 2 GB रैम का है, जब भी तब बढ़िया चल रहा है ये शेडर। इस शेडर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। पहले मैं पूरा शेडर अच्छे से दिखा देता हूँ। इसकी ग्राफिक्स आप बस देखिए, और कैसे लगाना है, कैसे क्या क्यों करना है, क्या कुछ करना है, पूरी वीडियो आप देखिएगा। पानी की ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए पानी, देखिए भाई साहब क्या पानी है, देख सकते हैं आप। ये देखिए मैं आ गया हूँ आइस क्यूब तरफ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है शेडर। इसकी मीडिया फायर की लिंक है, आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती शेडर की। चलिए मैं उधर तरफ जाता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता हूँ। कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले अपना आपको ब्राउज़र खोल लेना है, या क्रोम आप खोल सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मीडिया फायर की, आपको कुछ करनी है, मीडिया फायर के लिंक को ओपन करना है और यहाँ से इसको शेडर को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है इसलिए मैंने डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं अपना माइनक्राफ्ट खोल के आपको कैसे लगाना है पूरा शेडर, पूरी चीज़ बताऊँगा मैं आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखिए कैसे क्या करना है, सब मैं वीडियो को लास्ट तक पूरा बताऊँगा। माइनक्राफ्ट खुल रहा है धीरे धीरे। ये देखिए माइनक्राफ्ट खुल गया है। अब प्ले क्रिएट न्यू पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू वर्ल्ड, और ये यहाँ पर क्रिएटिव कर देता हूँ उसको, और हार्ड, और यहाँ पर रिसोर्स पैक पे आपको जाना है। रिसोर्स पैक पे जाने के बाद ये बी क्यूबिक शेडर हाई बेटा ये आएगा, आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको सीधा क्रिएट वर्ल्ड पर जाना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई जा रही है इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करने के लिए स्किप कर रहा हूँ। तो आप सब देख ही सकते हैं वर्ल्ड बन गया है। आप सब देख सकते हैं कितना भाई कितना ब्राइट वर्ल्ड है। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, अलविदा।